जीरीबीपुर, सरदार अमर सिंह, जिन्हां ने 23 साल अंग्रेज सरकार की नौकरी की थी, एक फौजी सन। 23 साल नौकरी करने तो बाद जदों गुरु घर की सेवा लई गुरु के बाग विच अपने जत्थे नाल पहुंचे तो वह भी फड़े गए। फिर उन्हां दे जो विचार उन्हां वो दसदे हन कि जिन्हां नूं असी अपने मित्र जान के इन्ना लम्मा समा अपना आप मार के उन्हां दी सेवा करदे रहे हाँ, पर असी अपने आप नूं वड्डे सुभागे समझदे हाँ कि हुण जो गुरु के बाग दी जमीन विचों गुरु दे लंगर वास्ते लक्कड़ कट्टन आए असी फड़े गए हाँ, अते हुण जेल विच भेजे जा रहे हाँ, जिस नूं असी वहशत समझदे हाँ, क्योंकि अजिहा करके असी पवित्र गुरुद्वारिया अंदरों भ्रिष्टाचार दी मैल मिट्टी धो रहे हाँ। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एंड सिख अवेकनिंग अजिहा फौजी पेंशनरां दा एक होर जत्था भी 12 नवंबर नूं फड़िया अते कैद किया गया सी। लाला लाजपत राय जो पंजाब सूबाई कांग्रेस दे प्रधान भी रहे सन ने कहा सी, जिथों तक अदम तशद्दद मीन्स अगों हाथ ना उठाउन अते इस दे फल स्वरूप आपने निज दी बलि दे देण दा सवाल है। सिखां ने इस दा हैरत अंगेज मीन्स हैरान कर देन वाला सबूत पहलों ननकाना साहिब अते उस तो मगरों अजनाले अते अमृतसर गुरु के बाग विच दित्ता है। ओ ठीक ही आपने गुरुआं दे सच्चे सपूत सिद्ध होए हन, जिस तरह इश्तियार दित्ते जान दे बावजूद भी ठंडे जिगरे नाल अते बिना किसे तरह दा विखावा करन दे उन्हां अपना आप कुर्बान कीता है, उस नूं मात पाउणा तां कि उस दी मिसाल भी मुश्किल है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सिख पीपल सफा 70। अपनी पुस्तक गुरु का बाग सत्याग्रह दे सफा 41 ते मिस्टर सुंदरम लिखदा है कि जख्मी ते बेहोश होए अकालिया नू केसा तो फड़ के तरुया जांदा सी। जद मैं 2 सितंबर नू अपनी अखी अजेहा हुंदा वेख्या तां मैं अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर मैकफर्सन नू कहा कि केसा तो पकड़ के सिखा नू धरूना उन्हां दे धार्मिक जज्बात नाल खेडना है, क्योंकि ओ केसा नू शरीर दा बहुत पाक पवित्र भाग समझदे हन। मिस्टर मैकफर्सन ने मेरी एक गल मन के कहा कि अगों नू ऐसा नहीं होवेगा। फिर मैं वड्डे अफसोस नाल ए प्रगट करदा हाँ कि 7 सितंबर तक तां केसा तो फड़ के अकालिया नू धरुए जांदे मैं अखी वेखदा रहा हाँ। उस तो पिछों मैं ऐसा हुंदा नहीं वेख्या। अपनी पुस्तक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एंड द सिख अवेकनिंग दे सफा 406 ते प्रोफेसर तेजा सिंह लिखते हैं, मैं वाहिगुरु सैकड़े आदमियों विचों
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਿੰਦਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰੂਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 1922 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 20 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਗੜ ਦਗੜ ਲੰਘ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾ ਹੇਠ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਕ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਫ਼ਾ 408 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ, ਇਹ ਜੇਰਾ ਅਤੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ, ਇਹ ਜੇਰਾ ਅਤੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਨ ਨਿੱਤ ਰਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਨ ਨਿੱਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼, ਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਾਹੀ ਦੀ ਸੱਦ ਸੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਜਨ ਪਰਵਾਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਜਨ ਪਰਵਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੁੰਬ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1924 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਅੰਦਰ ਖੰਡਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ 14 ਸਤੰਬਰ 1923 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ 1925 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾਭਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਗੰਗਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾਭਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਫੂਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਫੂਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤਿਲੋਕਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1900 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1696 ਦੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਸੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਸੈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ 24 ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1912 ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਨ 1906 ਤੋਂ 1908 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰੇ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 1920 1925 ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਫੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲਾਏ ਛਡਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮੇ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੇ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕੌ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਆਗਾ ਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀਏ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੂ ਗਾਵਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਦੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਬੀ ਓ ਸੀ ਜਾਈ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
सुन वड्डा आखे सब कोए, के बड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न के हा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरे तिल वडियाई, सब सत सब तब सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया, तुद बिन सिधी किने ना पाईया, कर्म मिले नहीं ठाक रहाईया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखने औखा साचा ना, साजे नाम की लागे भूख, गुत भूखे खै चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहेब साचे नाए रहाओ, साजे नाम की तिल वडियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाए, वड़ा न होवे काट न जाए, ना ओ मरे न होवे सोग, देदा रहे न चूके पोग, गुण ए ओ होर ना ही कोय, ना को हुआ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन करके की थी रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नामे बाज सनातरा। गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरनाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग बडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण परगास, जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते पाग हीन जम पास, जो सत गुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। रा गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवे उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके का सट हरिया रहा, जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया, सिर से रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया, उड़े उड़े आवे सह कोसा, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल, जाइए तेरा अंत न पारा वरिया, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल, जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। रागा सा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावे तुझी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू काट गाट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिने अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणे आंख बखाना, जो सेवे तुझी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्यावे तुझी, से जन जुग में सुखवासी, से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा, हर जीते हर हर रूप समासी, से तन
जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन मल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बौ सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत पले, जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी तू ने चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुद आपे सिर सब उपाई जी, तुद आपे सिर सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार बैडा साई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ताया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख कवाया, तुदा विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओं सब तुझी माए, तुद बिन दूजा कोई ना, दी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़े संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदी आख बखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सवर सरवरडे पहले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाल ले, हम देखे ते डूबियले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, कई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी फरिया, अवर काज तेरे किते न कामिल, साध संगत पज केवल नाम, शरम जामला पब जल सरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के रहाओ, जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या राया, पौ नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। क्यों कर सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनरा शस्का काटा सीसा, श्री अस के जगत के ईसा, पोपन वृष्ट गगन ते पई, सबन आन बधाई दई, तने तने लोगन के राजा, दुष्टंदा गरीब निवाजा, अखल पवन के सिरजन हारे, दास जान मोह लेओ बारे। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई, अमरी करो हाथ दे रच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूरन हुए हमारी आशा, तोर पजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तित्व करियो रक्षा, राख लियो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा,
नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहम्मद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिंटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा तर्थ तब देह अपारा जब आ करत करत हो कभू तुम में मिलत दे तर सबू जेते बदन शिष सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भिव आप आपनी बुद है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै बिच सजा प्रथम संसार एके रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जे रस से तजकीनी कुदबुज खान बहोर दीनी कहो फूल राजा है बैठा कहो सिमट बे संकरी कैठा सगरी शिष्ट दिखाए अचंब आ जुगाद स्वरूप से अम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बारह सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस्तित तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होय ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दिस्तन जाए ने हरे हो ताके ताप तनक मुँह हरे रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख तेरा खड़ केत में सरन तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठोर मो वो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री हरिदित जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्पाला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापित कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पो निकट न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत 1700 पणिजे अर्ध सैस फुन तीन कहिजे पादर सुधि अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखियाने त्रिय चरित्रे मंत्री उप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजूं दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोए मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं न गने से प्रथम मनाऊं किसन बिसन कब हूं न द्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो मालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार वहां गए की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिये चुन चुन सत्र हमारे मरिए देग तेग जग में दो चले राख आप मुए और न तले देग तेग जग में दो चले राख आप मुए और न दले तुम मम करो सदा प्रतिपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना
मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मोए, हार परा मैं आन द्वार तोए, अपना जान करो प्रत पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान के हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बार करो कविता बिदनाना, कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब ले हो सुधारो, कब बाज दौरा जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कहो जग माए जो तै प्रभ को त्याए हैं, अंत सुरग को जाए दौरा, हर हर जन दोए एक है, बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए दौरा, जब आयस प्रभ को पयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए, कब बाज दौरा ठांड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याए, पांथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दौरा, जे जे तुमरे त्यान को नित उठते आए हैं संत, अंत लहेंगे मुकत फल पावेंगे भगवंत दौरा, काल पुरख की दे मो कोटिक बिस्न महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रावसर क्रोर जलेस दौरा, राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत, सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत, चौपाई जो ऐ कथा सुने अर गावे, दुख पाप तै निकट न आवे, बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद छह सके न कोई, संबत 1755 हाड़वदी प्रथ में सुखदावन, तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, फूल परी ले हो सुधारा दोरा, नेत्र तुंग के चरण तर सद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग, साधा साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद, सुइया आए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबे बौ भेद कहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो, सब तोहे बखान्यो दौरा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गए की लाज अस गोविंद दास त्वा राम कली मल्ला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया, सहज से ती मन वजिया वधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावणी आईया, शब्दोत गावो हरी केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाइया करसान सुख मनाई वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिट्टो, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पांच शब्द तित कार सवागे शब्द वाजे, बल्ला जित कर धारिया पंच दूत दुवास कीते, काल कंटक मारिया तुर करम पाया, तू जिनको से नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होआ तितगर अनहद वाजे, आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, संत साजन पाए सर से
पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रे आप पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे नाम नी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पियो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पियो जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पूछे तिसका होए उधारो, ए वस्त जी न जाई नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे वो गुण नाही, आपे तरस पियोई तरस पिया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वे हरिया पौड़ी, तिथे तू समरत जिथे कोए ना, उथे तेरी राख अग्नि उदर माए, सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए, बौजल बिखम असगा गुर सबदी पार पाए, बौजल बिखम असगा गुर सबदी पार पाए, जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए, काल में ए हो पुन गुण गोविंद गाए, सबसे नो कृपाल संभाले साए साए, तीर्था कोई न जाए जे आवे तुदाए। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सत गुर पेखना सरने सुना गुर नाओ, सत गुर से तीरते आ दर गए पाइये ठाओ, पौ नानक कृपा करे जिसनु एह वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए विरले के ही के महला पंजवा, रखे रखण हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए, काज सवारियन होआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जना कै संग अवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहेब की टेक नानक मन्ने माए, जिस सिमरत सुखोए सगले दुख जाए, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहेब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उठा कर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू धागे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ताड़े रास, तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभागे अरदास, अरदास क्यों कार शिवाय गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री
भगवती जी की बादशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याए, जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिये घर नौ निदावे धाए, सब थाई हुई सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बंदे वाली अमृत के दाते, सब थाई होना जी सहाय। दसा पातशाहियां दी जाग दी जोत, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के, खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख क्या डिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्चारियां दी पवित्र कमाई दा, ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चीते गए, गुरुद्वारे दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म निहारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाही, आप जी दे बाणी नूं मिठा करके मनिया, तिन्हां प्यारियां सच्चियारियां दी पवित्र कमाई दा, ध्यान दर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा, ध्यान दर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन दा सत्का सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा साहिब तां तां रचा रहा, देख देख फतेह बिरत की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पदे राखिया, वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो, श्री ननकाणा साहिब श्री पंजा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे, जिन्हां तो पंथ नो विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दे दार ते सेवा संभाल दा दान, प्यारे खालसा जी नू बख्शो। हे निवाणिया दे माण सतगुरु जी, निताणिया दे ताण सतगुरु जी, निओटिया दी ओट सतगुरु जी, न्यासरिया दे आसरे शहशाह दातार सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी का कुटान कोट शुकराना, आप जी की मेहर बख्शिश कृपा अपने अपनी संगता नु ऑनलाइन संध्या वेले दीवान सजाए, सजे दीवाना विच सलोक कबीर जी दी बाणी दे जाप होए, उपरंत गौड़ी की वार महला पंजवा जी दे जाप होए, उपरंत सोधर राज साहिब जी दी बाणी दे पाठ होए, आप जी दी संगत अमृत वेले तो मूल मंत्र साहिब जी दे जाप, गुरु मंत्र साहिब जी दे जाप अते सहज पाठ और सुखमनी साहिब जी दे पाठ, जी दी आपने सेवावां लईयां ने सच्चे पिता, इस वक्त तक आप जी दी बच्चिया ने संगत ने जो भी बाणिया दे जाप किते, आप जानी जान पिता हो सच्चे पिता जी हो, आप जी दी सेवा विच विचरदे हां, बाणी पढ़दे हां, बेअंत बेअंत भुलां हो गईयां ने, आप बख्शंद पिता हो, बख्श लेना हो गुणा चितार ने, अगो बाणी पढ़न दी सो जी बख्शनी, शुद्धि ते गुरु जी बख्शनी, बाणी सोध के सचखंड विखे प्रवान करनी, बाणी दा भाव सरबत अमृत जीवन कोर्स दी संगता दे हिरदिया विच वसाउना सी, इस ते मेहर बरैत रखना, परिवारा विच सुख शांति दी दात, चढ़दी कला दी दात बख्शनी, सरबत संगता नु अपने दरों घरों देह रोकता नाम दान सेवा सिमरन दी दात बख्श के निवाजना, वाहिगुरु जीओ। आप जी दे दर ते आप जी दे सेवक अरदास बेनतियां करदे ने, इंद्रपाल कौर जी देह रुकता दी अरदास, जसमीत कौर जी देह रुकता दी अरदास, एक बच्ची दी देह रुकता दी अरदास, नाम आप जानी जानो पिता जी, गुरजोत सिंह जी दी नौकरी वास्ते अरदास है, जसप्रीत कौर जी दी खुशहाल गृहस्थी वास्ते अरदास है, मनप्रीत कौर जी नु संगत नाल जोड़ी रखना आप जी दे अग्गे अरदास है, वाहिगुरु जी। तजिंदर सिंह खुराना जी दी देह रुकता दी अरदास, परमीत सिंह जी नु देह रुकता दी दात बख्शो, बच्चे हरवंश सिंह जी नू, बच्चे इशमेर सिंह जी नू देह रोकता दी दात बख्शो, वाहिगुरु जी हो। आप जी मेहर करो वीर कर कश्मीर सिंह जी दी देह रोकता वास्ते अरदास है, एक बच्ची दी देह रोकता दी अरदास,
खुशहाल गृहस्थी जीवन दी अरदास कर देने जीत पाल कौर जी दी देह रुखता दी अरदास। बच्ची जी ने शाह जी दा मुश्किलां विच जा रही है ओदी मुश्किलां आपने दूर कर लिया सीस ते मेहर बनाया था अपना बच्ची नु सुमत बख्शनी। अजीत सिंह परिवार अरदास बेनती कर देने अमृत वेला नितनेम सिमरन दी दात बख्शो परिवार विचो दुख कलेश कष्ट दरिद्र दूर करो वाहेगुरु कृपा करो अपना नाम आप जपाओ नाम बाणी नाल जोड़ो आप जी दर ते परिवार दी देह रोकता दी अरदास है वाहेगुरु जी। जसमीन कौर जी मानसिक ते शारीरिक देह रोकता वास्ते अरदास करते ने बच्ची नु अरदास बेनती जोदड़ी प्रवान करनी। बच्ची मनरीत कौर नु आप बोलने दी दात बख्शो वाहेगुरु जी अपनी बच्ची नु आप वाहेगुरु नाम जपाओ कृपा करो शीश ते मेर व्रत रखो अंग संग सहायो आप जी दर ते अरदास बेनती है जी। आप जी दी बच्ची जिन्हां मुश्किलां नौकरी वास्ते जो मुश्किलां आ रही ने ओना दी जसमीन कौर जी दी जो मुश्किलां ने ओना नु आपने दूर करना अंग संग सहाय होना। आप बच्ची कवलजीत कौर जी वालों अरदास बच्ची दे विदेश भी सारे कार्य आप रास करो अपने बच्चे को लो जो भी भूला गलतियां हुई ने आप जानी जान पिता हो भूला बख्श लेनिया वाहेगुरु जी हो अपने बच्चे दी सारियां गलतियां भूला माफ करके बच्चे नु अमृत वेला बख्शो अमृत वेले 12 बजे उठ के उठन दा बल बख्शो उठ के सेवा करन दा बल बख्शो कृपा करो शीश ते मेर ब्रात रखो अंग संग सहाय होवो सच्चे पिता जी हो। आप जी दी संगता जो भी ऑनलाइन पाठ कर रही ने आप जी दे बच्चों की सेवा थाए पानी शीश ते मेर ब्रात रखना इस तरह होर उदम उत्साह आपने बख्श ने वाहेगुरु जीओ सरबत संगता दे शीश ते मेर ब्रात रखना अंग संग सहाय होना कृपा करनी। आप जी दे दर ते 4 पैर दिन आप दे भाणे अंदर बतीत होए सी 4 पैर रहन आए ने अपने भाणे अंदर बतीत करवाने साध का संग नाम का रंग भजन दा प्रताप दुखां कलेशां औगण दा नाश करना काम क्रोध लोभ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਜਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇਮ ਨੇ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨੇਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਰਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਤ ਰੱਖੋ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਛਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬੋੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭਾਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਜਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਜੈਕਾਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਆਈ ਸੀ जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखस फारे करयाज उन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहुसाज सोदा माप दाते राख्या गन का पड़त पूरे तहकाज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए राखो दास भाट की लाज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए राखो दास भाट की लाज मैं दान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ।
वाहे गुरु साहिब जीओ टोडी महला पंजवा, धन 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 श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ ब्यापे जा कोट तुहारी, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ ब्यापे जा कोट तुहारी, रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुक्मनामा साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंक नंबर 711 ते 712 ते सुभायमान है जी। वाहे गुरु जी का खालसा।